नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने आप लोगों को 1947 का निकेल वाला 1 रुपया सिक्के की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 1 रुपया सिक्के की वेट है 11.66 ग्राम, 30.40 से 30.70 mm सर्कुलर कॉइन। 1947 में 1 रुपया जब मिंटेज हुआ तब ब्रिटिश इंडिया का राज खत्म होने वाला था, उसका बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और ये सिक्के बहुत दिन तक मार्केट में चालू था। इसके अंदर मैंने 2 सिक्के ही आप लोगों को दिखाएगा। आरबीआई ने 2 मिंट से ये सिक्के मिंटेज किया था, एक लाहौर और एक कलकत्ता मिंट। लाहौर वाला जो कॉइन है ये कॉइन स्क्वायर है और कलकत्ता वाला जो कॉइन है वो कॉमन है। तो मैंने अभी दोनों मिंट का कॉइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को प्राइस का बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला है। 1947 का 1 रुपी कॉइन, टाइगर का जो पिक्चर है आप लोग देख रहा है, 1 रुपी हिंदी में लिखा है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। जॉर्ज सिक्स का ये सिक्के, ये बॉम्बे मिंट का सिक्के है 1947 जहाँ लिखा है उसके नीचे देखिए डायमंड मार्क है, बॉम्बे मिंट का ये कॉइन। और अभी मैंने आप लोगों को लाहौर मिंट का कॉइन दिखा रहा हूँ 1947 जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर उदाउड मिंट मार्क है। 1947 में उदाउड मिंट मार्क जो होता था वो लाहौर मिंट का कॉइन होता था, और लाहौर मिंट का एल और आई का तारा मिंट मार्क भी है, लेकिन 1947 उदाउड मिंट मार्क लाहौर मिंट का ये सिक्के है। आप लोग जानता है जो कलकत्ता मिंट उसका कोई मिंट मार्क नहीं होता है, लेकिन लाहौर का जो मिंट मार्क वो भी विदाउट मिंट मार्क 1947 का 1 रुपी कॉइन में मिंटेज हुआ था। तो अब ये मैंने आप लोगों को कॉइन एज किताब से इस कॉइन का प्राइस क्या है वो बताता हूँ। बॉम्बे मिंट कॉमन कॉइन उसका प्राइस है 40 रुपीज, 50 रुपीज, 75 रुपीज और 125 रुपीज पर कॉइन। लाहौर मिंट स्क्वायर मिंट कॉइन है उसका प्राइस है 60 रुपीज, 75 रुपीज, 150 रुपीज एंड 500 रुपीज पर कॉइन। 500 रुपीज या 125 रुपीज जो कॉइन वो एकदम ब्यू कंडीशन का होना चाहिए, यूएनसी होना चाहिए, तब इसको आप लोग लाहौर होने से 400-500 रुपया के अंदर सेल कर सकता है और बॉम्बे होने से 100-125 रुपया के अंदर एक कॉइन सेल हो सकता है। लेकिन आप लोगों को इतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग ए सिक्के कोई कॉइन डीलर या कॉइन सेलर को पास सेल करने जाएगा तो वो लोग कम दम में खरीदेगा। कॉइन एज किताब का जो प्राइस है वो भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वो लोग आप लोगों से कम दम में खरीद के मार्केट में कॉइन एज किताब में जो प्राइस दिया है वही प्राइस या उससे ज्यादा प्राइस में सेल करेगा कॉइन का कंडीशन का ऊपर। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।